नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपने लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। वृष राशि में जो गुरु का गोचर चल रहा है, कई सारी वीडियोस हम ऑलरेडी बना करके आप तक पहुंचा चुके हैं कि हर राशि वालों को किस तरीके से लाभ देगा, क्योंकि गुरु का गोचर बहुत लंबे समय का गोचर होता है। ये पूरा साल ऑलमोस्ट ऑल गुरु का गोचर वृष राशि में ही रहने वाला है। हाँ, डेफिनेटली वहाँ वक्रिय भी होंगे और वहाँ मार्गी चाल में भी चलेंगे, अस्त भी होते हैं, उदय भी होते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा प्रभाव उनका बदल जाता है। लेकिन अगर हम एक स्थायी रूप की बात करते हैं तो रहने वाले वो वृष राशि में ही है, टॉरस में ही रहने वाले हैं। अब टॉरस में ये जो बदलाव हुआ तुला राशि वालों के लिए, लिब्रा वालों के लिए कैसे कॉम्बिनेशन बना रहा है, क्योंकि ये शुक्र की राशि है और शुक्र की राशि में, वृष राशि में जहाँ शुक्र ऑलरेडी अस्त चल रहे हैं, तो यानी अस्त तो खैर पूरे समय तक नहीं रहेंगे, तो ये जुलाई तक का है समय जो अस्त का है, बट उसके बाद तो उदय हो जाएंगे। बट यहाँ पर शुक्र की राशि में गुरु, और दूसरी बात बीच में एक कंडीशन अस्त होने भी आई दोनों की, और दो मुख्य तारे कहते हैं अस्त होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, देश में घटनाएं कराते हैं और आगजनी की घटनाएं, पानी की प्रलय, एक्सेस, कभी बारिश, बेमौसम बरसात, यानी कुछ ऐसी कई सारी घटनाओं को, मार कटाई की घटनाओं को करवाते हैं, कुछ अनवांटेड ऐसी घटनाएं जो आपको सुनने को मिल सकती है, बड़े उच्च पद के लोगों के साथ कुछ ना कुछ हादसा बीतना, किसी बड़ी नॉन पर्सनैलिटी का जाना, यानी जान माल का नुकसान भी है, तो ऐसे सर्कमस्टांसिस बना रहे हैं। यहाँ पर हम तुला की बात करते हैं तो ये शुक्र की राशि में ही गुरु का बैठना वो हुआ है, और शुक्र की दो राशियाँ होती है, वृष राशि और तुला राशि। हम तुला राशि की बात कर रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए थर्ड भाव के और सिक्स भाव के, यानी तृतीयेश भी ये हैं, गुरु हैं, और षष्ठेश भी गुरु हैं, तो तृतीयेश और षष्ठेश गुरु गोचर जो कर रहे हैं आपकी राशि से अष्टम भाव में। अब देखिए, अष्टम भाव जो है वो गुरु के बैठने का तो स्थान नहीं है, यानी गुरु यहाँ पे कहते हैं जुपिटर यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, तो अगर रिजल्ट अच्छा नहीं देते हैं, सडन का भाव है, अचानक है, तो ऐसे कई बार अचानक आपके साथ कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे में थर्ड भाव का और सिक्स्थ भाव का स्वामी आपकी राशि से अष्टम भाव में जाना है, यानी अष्टमस्थ होना, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी, स्ट्रेस, एंजाइटी, अनवांटेड प्रॉब्लम्स, जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है, वैसी कुछ ना कुछ क्रिएशन आपके साथ हो सकती है। आपको देखिए, यहाँ पे डरने की बात नहीं है, कुछ चीज़ों को आप समझने का प्रयास कीजिए। हम लोगों की एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से हम आपको अवेयर करवाते हैं। अवेयर का मतलब डरना नहीं होता है, अवेयर का मतलब होता है कि उसके सल्यूशन को निकालने का प्रयास करना, थोड़ा शांत रहना, गुस्सा नहीं करना, जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाइए, आप काम करिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी घुसने लगते हैं हम लोग, दूसरों के झगड़े में कूदने लगते हैं, यानी कुछ चीज़ों को अगर आप संभालते हैं वो प्रिकॉशंस होते हैं, और प्रिकॉशन इज़ द बेस्ट मेडिसन ऑलवेज, डेफिनेटली। तो आप, हमारा कंसर्न सिर्फ आपको अवेयर करना होता है, आपको थोड़ा सा संभालना होता है ताकि आप चीज़ों को समझ पाएं और संभल पाएं। कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके लिए पैदा करेगा कि जैसे चीज़ें है नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं ऐसा ही है, ये भ्रम पैदा कर देना, यानी एक मन के अंदर एक अजीब सी उथल पुथल मचा देगा। तो अगर ऐसी चीज़ें आपको करेंगी तो हम उपाय भी बताएंगे, आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे कि आपको किस तरीके की रेमेडीज़ इस दौरान, इस समय में आपको करनी चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं कि छोटी छोटी, जैसे भाई बहनों के साथ स्ट्रेस, तनाव हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, छोटी बात के ऊपर बहस कर लोगे आप, या कोई बहुत समय से पहले से मुद्दा चल रहा हो आपका प्रॉपर्टी का, लेकिन इस तरीके से उछल गया कि पूरा डाइवर्ट ही हो गया, रिश्ते भी खराब हो गए, यानी कुछ ना कुछ ऐसी क्रिएशन करेगा जिससे आपको मानसिक तनाव हो, तो ये मानसिक तनाव देने वाला होता है ऐसा गोचर। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे जब छठे भाव का संबंध आ जाता है तो छठा भाव हमारा रोग का भाव माना जाता है, छठा भाव हमारे ऋण का, यानी उधार उठाने का, कभी भी उधार ले लेते हैं,
जैसे जरूरत आपको लग रही है कि आपको कुछ इतने पैसों की जरूरत है, बट आप उस समय क्या करोगे ना, इतने में ना इतने और डाल करके ये काम कर लेते हैं, चलिए ले लेते को फिर क्या हुआ, उधारी तो ले लेते हैं, यानी कर्ज के बोझ में दबाता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है, गाइडेंस नहीं है तो आप ऐसे काम कर रहे हैं। नॉलेजेबल होते हुए, कहते ना मति भ्रमित कर देना, नॉलेजेबल होते हुए, सब ज्ञान होते हुए, मालूम है कि कर्ज में डूबे तो डूबते चले जाएंगे, उसके बावजूद आप स्टेप ले लेते हैं, तो ये गुरु उस समय ऐसा ही कराएंगे। अब ये पूरा साल तक आपको संभलना, ऐसा नहीं है कि एक दिन दो दिन की बात है, और खास करके जब अस्त की सिचुएशन हो, जब वक्री की सिचुएशन आएगी, तब आप थोड़ा सा ज्यादा अटेंटिव रहने का प्रयास कीजिएगा। अब आती है कि इसके अलावा कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बताते कि अननेसेसरली, जैसे रिश्तेदारों में कोई तनाव हो जाएगा, बेवजह किसी बात को लेकर के बढ़ावा दे देंगे, आप किसी और की बात चल रही होगी, आप बीच में ऐसे ही स्टेप अप कर जाएंगे, कूद जाएंगे, तो दूसरे पता चले कि दूसरे की लड़ाई जो है वो आप ही के गले पड़ गई, आ बैल मुझे मार वाला हिसाब हो जाता है, कि अब कोई लेना देना नहीं है, बस एक वर्ड बोला, लेकिन वो वर्ड की टाइमिंग ऐसी होगी कि सारा डाइवर्ट केस आप, क्योंकि इसी ने सारा गड़बड़ करा, वरना तो हमारा पैचअप हो रहा था, यानी ऐसा क्रिएशन। जबकि हो सकता है आपकी जो मानसिकता है, जो आपका माइंड है, जो आपका उस समय दिमाग काम कर रहा था, तो आपका ये कर रहा था कि हम इस चीज़ का सोल्यूशन निकलवाएं, इनको आपस में सॉल्व करवा दें इशू, बट आप ही के ऊपर सारा कुछ आ जाएगा। तो कुछ ऐसी क्रिएशंस जो है इस समय होगी। चेंजेस भी हैं आपकी लाइफ में, कुछ चेंजेस, यानी जैसे जगह का परिवर्तन, चेंज करना, हो सकता है आपकी जॉब में कुछ चेंज हो रहा हो, तो थोड़ा सा आप छानबीन कर लीजिएगा, धैर्य करिए रखें, कई बार एकदम से ना प्रवोक में आ जाते हैं। अब देखिए गुरु कैसा प्लेनेट है कि वो प्रवोक में आता नहीं है जल्दी, लेकिन जब अस्त हो, जब वक्रीय हो, जब छः के साथ संबंध और छः और आठ के साथ संबंध बना रहा हो, तो ऐसे लोग दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। अच्छा आपने ये कहा, हाँ 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 यही होगा, जबकि आपको पता है कि ऐसा नहीं होगा, फिर भी उसके बावजूद आप एक डाइवर्ट से हो जाएंगे, दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर के आप कुछ गलत फैसले ले लेंगे, नहीं मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था, अभी हुआ, देखिए उन्होंने ऐसा किया, यानी माइंड के अंदर अननेसेसरली की प्रॉब्लम आप क्रिएशन क्रिएट कर लेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों से बचने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जुपिटर का चेंज साल भर इसी वृष राशि में रहना है, साल भर ये कॉम्बिनेशन उसने बना के रखना है, तो क्या साल भर आप परेशानियां ही लेते रहेंगे, थोड़ा सा संभलने की यहाँ पे जरूरत है। यही माइंड कोशिश करो कि आप किसी एक अच्छे एसेट की तरफ लगा सको, आप किसी अच्छे काम में लगा सको, थोड़ा सा अगर आपकी, क्योंकि एनर्जी तो बहुत है आपके अंदर, एनर्जी है तभी तो आप बहुत सारी चीज़ों को संभालते हैं, एनर्जी है बट उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, छोटी छोटी बात से घबरा जा रहे हैं, अननेसेसरली ओवर कॉन्फिडेंस पैदा कर दे रहे हैं, तो आप एनर्जी है उसका सही यूटिलाइजेशन करने का प्रयास कीजिएगा। आप एक उपाय जरूर कीजिएगा इस पीरियड के दौरान में, ताकि आपके अंदर एक बैलेंस भी बना रहा है और रिश्ते भी आपके बचे रहे, आपके लेवल को भी कोई ठेस ना पहुंचे, एटलीस्ट जो लेवल आपने अचीव इतनी मेहनत से मुश्किलों से किया है उस लेवल को आप बना करके रखें। तो आपने पीले रंग का एक फूल अपने पर्स के अंदर रखना है, पीले रंग का एक फूल अपने पर्स के अंदर रखना है, लेकिन ऐसे नहीं रखना, पीले रंग का कपड़ा लेना है, पीले रंग का फूल रखना है, उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी स्प्रेड कर देनी है, और इसे अपने गांठ वांठ अच्छे से रैप करके, ताकि बाकी चीज़ों के ऊपर रंग ना लग जाए, खूब अच्छे से उसको रैप कर लीजिए, बढ़िया से थोड़ा लंबा दो तीन बार लपेट लीजिए कपड़े को, और वो कपड़ा, और कपड़ा भी ऐसा रखिएगा जिसका कलर ना छूटता हो, वो कपड़ा आप अपने पर्स के अंदर रखिएगा। एक तो सबसे बड़ी बात है आपका डिसीजन अच्छा होगा, दूसरा किसी के साथ भी आपके रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे, तीसरा आपका खुद का लेवल बचा रहेगा। कई बार कहते हैं ना लेवल इधर से इधर डगमगा जाता है, उसे फिर से उस ट्रैक पे लाने के लिए कई समय लगता है आपको, तो ये सिचुएशन नहीं आएगी, और एटलीस्ट आप सेफ भी रहेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे, क्योंकि ये धन के कारक हैं, धन का कारक इधर से उधर हुआ ना तो सारी घुमा दिया 360 डिग्री उसने, तो आप ये घूमे ना,
आप ये सारी चीज़ें अपनी संभाल पाएं, और इनफैक्ट जब भी आप यात्रा भी जाएं तो इसे ज़रूर अपने साथ रखिएगा, आप सेफ भी रहेंगे और आपको बहुत बैलेंस तरीके से किसी भी कार्य को आप कर पाएंगे। सो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।